क्या बात है बीरबल, तुमने हमें 2017 में क्यों बुलवाया? और चलो हम आ भी गए, लेकिन तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? क्या करें जहां पना, पिछले 8 घंटे 25 मिनट से मैंने एक बूंद पानी नहीं पी है। शाबाश, क्यों नहीं पी? WWF के अनुसार 2030 में हमारी जरूरत का सिर्फ 50% पानी हमें मिलेगा, तो 2030 के लिए तैयार तो होना पड़ेगा ना, हर वक्त पानी नहीं पी सकते ना। तुम हमें डरा रहे हो? नहीं नहीं जांपना, हमारी जरूरत का 40% पानी हमें नदियों से मिलता है और वो नदियां सूख रही हैं। हमें यकीन नहीं हो रहा, ना ना हमें विश्वास नहीं हो रहा। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़े के हिसाब से गंगा नदी विश्व की 10 प्रमुख नदियों में से एक है जिसका अस्तित्व खतरे में है। महाराज, गोदावरी 2 साल पहले पहली बार सूख गई और कावेरी 12 में 3 महीने समुद्र को नहीं छू पाती है। अब आप ही सोचिए महाराज, जो नदियां सदियों से बह रही थी वो एक ही पीढ़ी में, कुछ ही समय में, कुछ ही सालों में सूख रही हैं। अच्छा, लेकिन बीरबल, हम तो हर क्षण हर समय पानी पीना चाहते हैं, 2030 तक पानी पीना चाहते हैं, कोई तो उपाय होगा? नहीं नहीं, उपाय है। सदगुरु ने नदी अभियान शुरू किया है लोगों को जागरूक करने के लिए, उन्हें बताने के लिए कि देखो हमारी नदियां सूख रही हैं। नदी अभियान, उससे क्या होगा? कि नदी के किनारे हमें पेड़ लगाने की जरूरत है। अच्छा, समझ गए। पेड़ लगाने से क्या होगा? मुझे मालूम था बहुत जल्दी समझ जाएंगे महाराज। क्या है, पेड़ों की जड़ें मिट्टी को छेदादार बनाती हैं और जब बारिश होती है तो मिट्टी उस पानी को अपने अंदर सोख लेती है और फिर धीरे धीरे रिश्ता रिश्ता वो बाहर निकलता है और सालों भर नदियों से मिलता रहता है। और अगर पेड़ ना हो तो? पेड़ ना हो तो मिट्टी छेदादार नहीं होगी, वो पानी को अपने अंदर सोख नहीं पाएगी और पानी जमीन के ऊपर से ही बहता रहेगा और फिर बाढ़ आ जाएगी और जब मानसून खत्म होगा, नदियां सूख जाएंगी तो वहां सूखा आएगा। बस यूं समझ लीजिए कि सूखा, बाढ़ का ये जो विनाशकारी चक्र है ना, ये हमेशा चलता ही रहेगा। चलो फिर, हम और तुम उठते हैं, चलते हैं और पेड़ लगाते हैं अभी। महाराज बैठिए बैठिए, सिर्फ आपके और हमारे हमारे पेड़ लगाने से कुछ नहीं होगा, मतलब कुछ पेड़ लगाने से बहुत कुछ नहीं हो जाएगा। बीरबल, तुम हमें उलझा रहे हो, तो हम क्या करें? देखिए महाराज, इसके लिए हम सबको मिलकर सरकार से एक नीति बनाने के लिए अपील करनी होगी, जिसके हिसाब से हमें बताना होगा कि नदियों के दोनों किनारे पर 1 किलोमीटर की चौड़ाई तक सिर्फ पेड़ लगाए जाएं। और मान लीजिए कि वो जमीन सरकारी है तो वहां पे जंगल लगाए, और मान लीजिए कि वो कृषि जमीन है तो किसान वहां पर अलग 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 तरह के पेड़ों के बगीचे लगाए। और हाँ, इसके लिए सरकार से उन्हें सब्सिडी भी मिलनी चाहिए। अब भाई, किसान का भी तो मुनाफा होना चाहिए ना, और 4 से 6 साल के भीतर महाराज किसानों को दुगना मुनाफा होगा, देख लीजिएगा। हम समझ गए। लेकिन एक बात नहीं समझे, अगर सब्सिडी सरकार को देनी है, नीति सरकार को बनानी है, पेड़ सरकार को लगाना है, तो फिर हमें क्यों बता रहे हो? कोई जाओ सरकार को बताओ। बिल्कुल बिल्कुल, लोकतंत्र में ऐसा ही होना चाहिए। जांपना, 2 अक्टूबर को हम ये प्रस्ताव सरकार के सामने रखने वाले हैं। हाँ, बस सरकार को हमें ये समझाना है कि आप अगर अपनी पॉलिसी में कोई बदलाव कर रहे हैं ना, तो नागरिक सब आपके साथ डटे खड़े हैं। उसके लिए आपके पास मोबाइल तो है ना महाराज? हाँ, हमारे पास फोन है। मिस्ड कॉल देना है, सिर्फ एक मिस्ड कॉल। मिस्ड कॉल? एक मिस्ड कॉल क्यों? नंबर भी बहुत आसान है, 8000 9 8000 9, बस एक मिस्ड कॉल।
हम समझ गए, लेकिन मिस्ड कॉल क्यों? मिस्ड कॉल से ये पता चलेगा जहां अपना कि हम इस अभियान का समर्थन कर रहे हैं और सरकार से अपील कर रहे हैं कि वो नीति बनाए कि नदी के दोनों तटों पर 1 किलोमीटर की चौड़ाई तक पेड़ लगाएं। समझ गए। और चूंकि महाराज आपको मैंने बता दिया है तो जनता जनार्दन को बताइए, और सुनिए खास करके उन सभी लोगों को जो पानी पीते हैं। सुना आपने, आप लोगों को 8-0-0-0-9 पे मिस कॉल दे रहा है। हमने दे दिया, हमारे परिवार ने दे दिया, अब आपकी बारी है, मिस कॉल दीजिए अभी। भारतम महाभारतम गंगा नर्मद पुण्यतीर्थम नदी राष्ट्रस्य महाअमृतम भारतम